नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सिंप्लेक्स इंडिकेटर के बारे में। मैकेनिकल इंडिकेटर क्या है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इंडिकेट करता है प्रेशर वेरिएशन को। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, यहाँ पे ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर जो है ये पिस्टन लगाया गया है। ये पिस्टन है जो कि मूव करेगा अगर यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये प्रेशर जो है किसी भी गैस का, किसी भी स्टीम का हो सकता है। तो ये प्रेशर वेरिएशन हमें चेक करनी होती है जैसे ही पिस्टन मूव करता है। अब देखिए, पिस्टन के साथ ये लिंक लगा है जो कि ये डी पे कनेक्ट है, उसके बाद डीसी, बीसी और ये जो एबी है और एडी है, एक तरह की ये लिंक जो है पैरेललोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। अब जो ये बीसी लिंक है इसको बढ़ा दिया गया है आगे और पी तक इसको लगा दिया गया है। अब ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ पे है, जहाँ पे ये ए पॉइंट है और सॉरी जो ओ पॉइंट है और जो ये डी है, इनकी बिल्कुल सीधी लाइन में ये इस पे कट करे। ओ यहाँ पे फिक्स पॉइंट है। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर देखिए जब पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो ये इस डी पॉइंट को, इस डी को ऊपर नीचे करेगा, यानी कि एक वर्टिकल लाइन में इसको ऊपर नीचे करेगा। लेकिन जैसे ही ये वर्टिकल लाइन में इसको ऊपर नीचे करेगा तो ये जो पूरा लिंक है, ये बड़ा जो लिंक है जो बी सी हमने एक्सटेंड किया है पी तक, ये जो पूरा लिंक है ये भी क्या है, अप डाउन करेगा। अब ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर पेंसिल लगाई होती है हमने, जो कि इंडिकेटर ड्रम के ऊपर जो पेपर होता है उसके ऊपर वो ग्राफ ड्रा करती है। तो जैसे ही ये डी की वर्टिकल मूवमेंट होगी, मान लीजिए डी यहाँ से डी वन तक जाता है, तो यहाँ पे आपको पी पी वन तक जाता हुआ मिलेगा। यानी कि आपने क्या देखा कि अगर छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे डी ट्रेवल करता है डी से डी वन तक का, तो पी पी वन तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि काफी बड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि एक एनआर स्केल पे इसने ड्राइंग की है या आप कहें कि ड्रा किया है, तो मैग्निफिकेशन कर दी है इसने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी भी प्रेशर वेरिएशन होगी, जितना पॉइंट टीम डी मूव करेगा और ये पूरा मैकेनिज्म यूज मूव करेगा, इसका हम यूज करके इसी छोटे से डिस्टेंस को एक बड़े डिस्टेंस के अंदर चेंज कर लेंगे, तो एनआर स्केल पे चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आप मैग्निफिकेशन देख सकते हैं और मैग्निफिकेशन को आप ऑब्टेन भी कर सकते हैं रिलेशन के साथ। अब देखिए इसके अंदर जो है, यहाँ से ओ पी जो है इस लाइन के अंदर, देखिए जो पूरी लाइन ओ पी है, अगर हम इसको डिवाइड करें ओ डी से, ओ पी डिवाइड बाय ओ डी, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक ओ पी तक और यहाँ से लिंक डी है, डी का जो डिस्टेंस है वो पी के ऊपर मैटर करता है, यानी कि डी जितना चलेगा पी उतना ही मैग्नीफाई उसको करेगा। तो ओ पी बाय ओ डी जो ये रेशो होगा, ये किसके बराबर आएगा, अगर हम इस लाइन में देखें, इस लिंक में देखें, तो ये ओ बी, ओ बी जो बड़ी है और जो छोटा लिंक है ओ बी से लेके ओ ए। तो जैसे ओ पी इस लाइन के अंदर आपने बड़ा ऊपर लिया, ओ डी छोटा नीचे लिया, इसी तरह यहाँ पे देखिए ओ बी डिवाइड बाई ओ ए आ जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जो इस लाइन पे देख लीजिए, तो बड़ा लिंक क्या है, बी पी, बी पी डिवाइड बाई छोटा लिंक बी सी, बी पी बाय बी सी भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है बड़ा कौन सा है, पी पी वन है, और जो छोटा कौन सा है, डी डी वन है। तो इस तरह से ये रिलेशन भी आप बना सकते हैं इस सारे मैग्निफिकेशन के लिए। अब इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कि अगर आप इसको एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल जो डिस्टेंस है डी डी वन मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है पी से पी वन का डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ थोड़ी सी भी डिस्टोर्शन आ जाए तो पूरा हमारा जो ग्राफ है वो खराब हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि हर एक जो जॉइंट है ये पिन जॉइंट है, अगर इनमें से कोई भी पिन जॉइंट थोड़ा सा भी खराब हो जाता है या थोड़ा सा भी घिस जाता है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्राफ है आपका एग्जैक्ट नहीं बन पाता। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो ये था सिंप्लेक्स इंडिकेटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।